नागरिकता संशोधन बिल अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट बिल या यूं कहें कि सीएबी को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। मगर ये बवाल हो क्यों रहा है, आखिर यह बिल है क्या, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और कैसे होगा, तो चलिए मैं यानी अंकिता सिंह आपको समझाती हूँ सिटीपिक न्यूज के जरिए बड़ी ही आसान भाषा में। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये बिल है क्या, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बिल के तहत तीन देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वो अल्पसंख्यक जो अपने ही देश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होने के बाद भारत में आकर बस गए हैं, ये बिल उन्हें भारत की नागरिकता का अधिकार देगा। अब आप पूछेंगे सबको, तो जी नहीं भाई, सबको नहीं, केवल उन अल्पसंख्यकों को जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने देश में प्रताड़ना से तंग आकर भारत में 11 साल से नहीं बल्कि 6 साल से शरण लेकर रह रहे हों, उनको इस बिल का फायदा मिलेगा। साथ ही इस बिल में विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के ओसीआई कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड कैंसिल करने के लिए भी प्रावधान जोड़ा गया है। अब अगर कोई ओसीआई कार्ड धारक केंद्र सरकार की ओर से नोटिफाइड किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका विदेशी भारतीय नागरिक होने का दर्जा खत्म किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस कानून के बनने के बाद अब भारत में जो विदेशी रह रहे हैं वह भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकेंगे, बशर्ते नागरिकता अधिनियम के तहत बीते 14 सालों में से 11 साल उन्होंने भारत में बिताए हो और बीते 12 महीने से वो लगातार भारत में ही रह रहे हों, वो अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों बस इनके कुछ हिस्सों को छोड़कर नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से छूट मिली हुई है। वैसे नागरिकता पाने की कुछ आसान सी 4 शर्तें भी हैं। पहली ये कि वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी या जैन धर्म को मानने वाले हों। दूसरी ये कि वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हों। तीसरी वो भारत में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हों। और चौथी वे सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि वो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में न रह रही हूँ, यानी इन 7 राज्यों में न रह रही हूँ। अब आप पूछेंगे कि कानून सिर्फ 3 देशों के लिए ही क्यों बनाया गया है, तो आपको बता दूं कि ये बिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों पर ही लागू होगा और सरकार इसे लेकर यह दलील दे रही है कि इन राज्यों के संविधान में इस्लाम को ही देश का धर्म माना गया है। ऐसे में यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए परेशान होकर भारत में शरण लेने वाले इन 3 देशों के लोगों को भारत की नागरिकता और सभी अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही विधेयक में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे लाखों लोग अविभाजित भारत का हिस्सा थे। हालांकि अफगानिस्तान को इसमें क्यों जोड़ा गया है उस पर कोई भी स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। इसके बाद बात करें बिल की खामियों की, तो सबसे खास बात यह है कि भारत की सीमा से लगे 4 और देश हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, मगर उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इस बिल का मकसद था धार्मिक आधार पर प्रताड़ना सहने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देना। गौर करने की बात है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ धार्मिक प्रताड़ना के तमाम मामले सामने आए हैं, वहीं म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को सेना और धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर देश छोड़ना पड़ा, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में शामिल नहीं किया, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। इस सवाल पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सिर्फ इतना कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिमों को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इनके अलावा पाकिस्तान का अहमदिया मुस्लिम समुदाय भी है, इन्हें भी धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया है, लेकिन इस बिल में अहमदिया मुस्लिमों के लिए कोई संरक्षण नहीं है। पर अब बारी विपक्ष की कि आखिरकार विपक्ष में इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो जवाब है कि कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने सरकार की ओर से लाए सीएबी 2019 का विरोध किया है। इनका कहना है कि ये संशोधन बिल आर्टिकल 14, 15, 21, 25 और 26 के खिलाफ है। ये बिल समानता के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि हमारा संविधान धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता। इतना ही नहीं, श्रीलंका में प्रताड़ित किए जाने वाले तमिलों को भी शामिल करने के कारण भी विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है।
बात पूर्वोत्तर के राज्यों की कि आखिरकार वहां इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो जैसा आपको पता है कि असम में हाल ही में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें करीब 19 लाख लोग खुद को भारतीय नागरिक साबित नहीं कर पाए हैं। पूर्वोत्तर में प्रदर्शन कर रहे लोगों को यह डर है कि उनकी जमीन पर अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और नागरिकता संशोधन विधेयक के बाद वो नागरिकता के पात्र हो जाएंगे। तो ये थी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर सिटीपिक न्यूज से अर्चना त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगे भी इसी तरह की रिपोर्ट आपके सामने लेकर के आते रहूंगे। इसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटीपिक न्यूज। नमस्कार। शहर के हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।